हेलो गाइस, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो इसमें क्वेश्चंस क्या है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हूँ और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ किया। एक्चुअली फिगर क्वेश्चन में नहीं है, पर मैं यहाँ क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो फिगर आता मैं यहाँ पे ड्रॉ किया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सिक्स क्वेश्चन। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। मीन्स वॉट, दीज फोर्स आर द वर्टेसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टेसेस है और एक ऑर्डर में है, मतलब कंटिन्यूअस है ऐसे। सो उसके हम नेम दे दिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ किए, उसका नेम ए बी सी डी दे दिए। अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने से पहले पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? सो इन द पैरेललोग्राम द डायगनल्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट नेम इज ओ। ओके, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट एज वेल एज बोथ आर बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स वॉट, ओ पॉइंट वन था इंटरसेक्ट होके, फिर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल लेंथ में डिवाइड होता। ओके, ये लेंथ और ये लेंथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाता है, 6 है फॉर एग्जाम्पल, ये 3 हो जाता, सो बाइसेक्ट हो जाता। ओके, सो इट मीन्स वॉट, वी कैन यूज हियर द मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों, अगर ये आधा आधा हो रहा तो दोनों का रेशियो सेम होता। जब रेशियो सेम आता तो मैं बोला था आपको कि यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे एक मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है, बोथ आर द इक्वल। सो वाई इट इज इक्वल, सो वॉट एवर बी द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज सेम अकॉर्डिंग टू द बी डी एंड अकॉर्डिंग टू द ए सी। अगर हम बी डी और ए सी के अनुसार देखें, या तो बी डी के अनुसार देखो या ए सी के अनुसार देखो, तब ओ का लोकेशन क्या आता, सेम सेम ही आता। ओके, सो नाउ लेट ए इज 1, 2, बी इज 4, y, सी इज x, 6 एंड डी इज 3, 5। नेक्स्ट इज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगनल क्या होते, बाइसेक्ट होते दोनों भी। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू, इसका ए सी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डीज मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑफ बी बी एंड डी। ओके, इसको इक्वल करेंगे अच्छे से। ओके, सो अब हम क्या करना है, यहाँ पे ए सी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट फार्मूला इज, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। सो ये मिड पॉइंट फार्मूला था, तो ये यूज करना है। फर्स्ट हमको क्या करना है, ए सी के अनुसार लेना है, उसके बाद बी डी के अनुसार लेना है। ओके, सो ए सी के अनुसार लिए तो मिड पॉइंट ये आएगा। ओके, एंड बी डी के अनुसार लिए तो भी यही मिड पॉइंट आएगा। सो दोनों इक्वल होते, इसके अनुसार भी वही आ रहा, इसके अनुसार भी वही आ रहा, सो दोनों क्या होते, इक्वल होते। सो नाउ फर्स्ट ए सी के अनुसार, ए सी के अनुसार क्या होगा, दिस इज द x1 y1 x2 y2। सो अब ए सी के अनुसार ले रहे हम, 1 + x / 2, x1 x2 y1 y2, 2 + 6/2। सो ए सी के अनुसार हो गया इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ बी डी, बी डी के अनुसार। ओके, फर्स्ट x1 x2 y1 y2, सो आएगा यहां पे
फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉमा, या प्लस नहीं आएगा कॉमा, वाई प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। ओके, इतना आ गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द वाई। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस वन, दिस इज फॉर द एक्स एंड दिस इज फॉर द वाई। ओके, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट हमको ये कंपेयर करना है, वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया। नेक्स्ट वाई के लिए ये है, टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय टू है, यहाँ पे भी होल डिवाइडेड बाय टू है। ओके, अगर यहाँ कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाए तभी भी कैंसिल हो जाता। नाउ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। ये वन इधर लाए तो कितना होता, माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ओके, अब इसके लिए यहाँ पे टू टू गेट कैंसल। नाउ टू प्लस सिक्स इज एट इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव, अब ये फाइव को इधर लाओ, एट माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई, सो एट माइनस फाइव मीन्स थ्री इज इक्वल टू वाई, सो देर फोर वाई इज इक्वल टू थ्री। सो देर फोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज, देर फोर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या है, यहां पे ओ के कोऑर्डिनेट है सिक्स कॉमा थ्री, सिक्स कॉमा थ्री। ओ ले सकते, पी ले सकते, यहां पे कुछ भी ले सकते, दैट इज द सिक्स कॉमा थ्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन गाइस, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, यहां पे मैं फिगर ड्रॉ किया, और जो है बुक में फिगर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस मैं यहां पे ड्रॉ किया। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमको ए बी क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, हमको ए का वैल्यू पता करना है। सो ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज टू कॉमा माइनस थ्री। सेंटर क्या है, टू कॉमा माइनस थ्री है, इसको हम क्या लिए, ओ लिए, एंड बी इज द वन कॉमा फोर। बी क्या है, वन कॉमा फोर है, अब हमको ये फाइंड करना है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सर्कल में ये तो सेंटर पॉइंट है, ये दो रेडियस आते हैं, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। इफ बोथ आर इक्वल मीन्स इट्स रेशियो इज ऑल्सो इक्वल, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज द एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। ओके, क्योंकि लेंथ सेम होती तब। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए इज एक्स कॉमा वाई, बी इज वन कॉमा फोर, ओ इज टू कॉमा माइनस थ्री। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इजी लिखो, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, सो आपको फार्मूला पता है, हम कोऑर्डिनेट ऑफ द ओ, तो दैट इज द एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये फार्मूला आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ओ, पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे मिडल वाला लेते हैं, सो दैट इज द ओ के कोऑर्डिनेट है टू कॉमा माइनस थ्री। नेक्स्ट वन इज ए बी, सो दैट इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कॉमा वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू, द वाई प्लस फोर। नेक्स्ट कंपेयर, कंपेयर द एक्स वन एंड द वाई वन। ओके, इसको नहीं भी लिखे तो चलता, वी आर राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओ। नाउ ऑन कंपेयरिंग,
I'm comparing. This is for the x. So x plus 1 divided by 2 is equal to 2. अब ये क्या होगा? y plus 4 divided by 2 is equal to minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, x plus 1 is equal to 2 to the 4. x is equal to 4 minus 1. x is equal to 3. So x is 3. सिमिलरली यहाँ पे क्या होता, y plus 4 is equal to, ये 2 इधर रखे इंटू हो जाता, 2 into minus 3 means minus 6. y is equal to minus 6, 4 इधर रखे minus 4. So y is equal to minus 10. So these are the coordinates of A and B. So therefore, sorry, A only. Therefore the coordinate of A is what? 3, minus 10. So this is the solutions. Okay. तो इस प्रकार से करना है, ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि अगर यहाँ पे लेंथ जो है सेम आ रही, उसका रेशियो अगर सेम आ रहा, तब हम क्या करना है यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लेना है, अदरवाइज वी कैन यूज हियर द सेक्शन फार्मूला. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ ए एंड बी आर द -2, -2 एंड 2, -4 मीन्स वॉट, दिस इज द एस वैल्यू एंड दिस इज द बीस वैल्यू रेस्पेक्टिवली. Find the coordinates of the P. P के coordinate हमको पता करना है, such that AP is 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. यानी P क्या है, AB line segment के ऊपर है. हमको इसके coordinate हमको पता करना है. So this is the x comma y हम ले सकते हैं. Okay. और AP कितना है, 3/7 of AB. Okay. AP is how much here, 3/7. 3 के 7 भाग किए तब जाके क्या होता, इसके इक्वल AP के इक्वल आता, किसके, 3AB के. ओके, 3 टाइम्स ऑफ द AB, फिर उसके 7 भाग किए तब जाके AP आता. इट मींस 3/7 मींस इट इज लाइक दिस. सो इसको सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट द गिवन वैल्यूज क्या दिया यहां पे, गिवन A is -2, -2, B is 2, -4, and P is x, y. और AP is equal to 3/7 AB. तो यहां पे हमारे पास क्या है, रेशो में है. तो रेशो में है तो हमको क्या करना है, यहां पे इंटीजर्स में चाहिए हमको दोनों भी रेशो. ओके, तब हम क्या करना है, जस्ट 7 इज मल्टीप्लाई हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी. सो 7 ए पी इज इक्वल टू 3, ए बी को स्प्लिट करेंगे, ए बी, ए यहां से यहां तक है. सो इट इज द सम ऑफ ए पी, ए पी प्लस बी पी. ओके, सो ए पी प्लस बी पी. ओके, मल्टीप्लाई एंड ओपन द ब्रैकेट, 7AP is equal to 3AP plus 3BP. AP AP है, ये AP इधर लाएंगे. 7AP minus 3AP is equal to 3BP. 7AP minus 3AP, that is the 4AP is equal to 3BP. Now, अब इंटीजर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को यहां नीचे लाएंगे, ये एपी को नीचे लाएंगे. सो 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बीपी डिवाइडेड बाय एपी. ओके, सो इट मींस बीपी इज द 4, एपी इज द 3. सो एपी कितना है, 3 है, और ये रेशियो कितना है, 4 है. सो देयरफॉर दिस इज द m1, दिस इज द m2. So m1:m2 is equal to 3:4. अब क्या आएगा, ए भी है हमारे पास, बी भी है, और यहां पे रेशियो भी है, पी पता करना है, तो सेक्शन फार्मूला यहां पे यूज होगा. ओके, फार्मूला इज हियर m1x2 + m2 x1 divided by m1 + m2, m1y2 + m2
वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ओके, सो सेक्शन फार्मूले में यहां पे क्या आएगा, मिडिल वाला पी वाला आएगा, पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम वन, एम वन हमारे पास क्या है थ्री इन टू एक्स टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ये होगा, सो एक्स टू इज टू प्लस एम टू इज फोर इन टू, ये फोर हो गया, एक्स वन इज माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर कॉमा एम वन इज थ्री इन टू वाई टू, वाई टू इज माइनस फोर प्लस एम टू इज फोर इन टू वाई वन इज माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस फोर। नाउ थ्री टू जर सिक्स माइनस फोर टू जर एट, यहाँ पे माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, डिवाइडेड बाय सेवन कॉमा थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर टू जा एट डिवाइडेड बाय सेवन, सो सिक्स माइनस एट मीन्स माइनस टू, माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन कॉमा ये कितना आ जाएगा, दोनों भी नेगेटिव है, सो इट इज बिकम्स माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सेवन। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ दोनों भी क्या आ रही है, यहाँ पे इंटीजर तो नहीं आ रहे यहाँ पे, है ना, इंटीजर नहीं आ रहे यार, रैशनल में आ रहे, सो बस इतना ही वैल्यू यहाँ पे होगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन गाइस, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इज माइनस टू कॉमा टू एंड बी इज टू कॉमा एट इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट दिया और इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इट मीन्स द रेशियो इज वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन, ओके इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे, तो हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स पता करना है, तो जितने पार्ट बनाए हैं पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट हमको पता करना है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ये ए बी को यूज करते हुए पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। ओके, या तो हम सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं या मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं, अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा ईजी होगा। सो फर्स्ट अगर फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पी फाइंड कर रहे, तब क्या हो जाएगा, रेशियो इसका यहाँ पे ए टू पी इज वन रेशियो हो जाता, फिर पी से बी तक क्या हो जाता, वन प्लस वन प्लस वन, ये थ्री हो जाता, वन इज टू थ्री हो जाता, अगर आर पता करे, सो वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाता, ये वन हो जाता, थ्री इज टू वन हो जाता। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, तब यहाँ पे क्या ले सकते, थ्री इज टू वन आया तो सेक्शन फार्मूला ले सकते, वन इज टू थ्री आया तो सेक्शन फार्मूला ले सकते, पर अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्यू ही हम पता कर रहे हैं, क्यू अगर पता कर रहे तब क्या होता है, यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला ले सकते हैं, क्यू अगर पता करे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द वन प्लस वन इज टू, वन प्लस वन इज टू, सो ये क्या हो जाएगा, टू इज टू टू, सो दिस टू आर कैंसल, वन इज टू वन, दोनों का रेशियो क्या हो जाता, सेम हो जाता फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, गिवन ए इज माइनस टू कॉमा टू एंड बी इज टू कॉमा एट एंड मेकिंग द फोर इक्वल पार्ट्स कॉमा पी कॉमा क्यू एंड आर, आर द पॉइंट्स ऑन ए बी, सो इक्वल पार्ट्स है ना, इक्वल पार्ट्स है तो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, रेशियो सेम आएगा। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू के लिए हम कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के मिडल में ही आता क्यू। ओके, सो क्यू इज हियर, सो क्यू के लिए हम क्या ले सकते हैं, क्यू के लिए हम एक्स कॉमा वाई लेंगे, नहीं है उसका वैल्यू, यहां पे मिड पॉइंट फार्मूला आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मैं आपको बताया था,
एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वाई वन सॉरी कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू. सो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. ओके सो अब यहां पे क्यू आ गया. सो दिस इज द एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. सो यहां पे क्या आएगा, माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू कॉमा टू प्लस एट, टू प्लस एट डिवाइडेड बाई टू. सो दैट इज इक्वल टू 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 कैंसल जीरो हो जाएगा. जीरो डिवाइडेड बाई टू मीन्स सो जीरो बाई टू. दिस इज द टेन डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा जीरो कॉमा फाइव. ओके टू वन जा टू फाइव जा जीरो कॉमा फाइव. सो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा. सो दिस कोऑर्डिनेट्स इज हियर जीरो कॉमा फाइव. अब हमको क्या करना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट यूज करके हमको पी फाइंड करना है. मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे यूज होता बिकॉज द रेशियोस आर इक्वल. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू. ओके ए क्यू के मिडल में पी है. ओके सो पी के लिए हम क्या लेंगे, पी इज, पी के कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, एक्स वाई आ जाएगा. अब यहां पे सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता किसके लिए, ए क्यू के लिए, ए और क्यू. सो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. सो क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस टू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू, ये दोनों आएंगे एक्स वन एक्स टू, फिर ये दो आएगा टू प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू. सो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय टू कॉमा सेवन डिवाइडेड बाय टू. सो टू वन जा टू वन जा सो माइनस वन कॉमा सेवन डिवाइडेड बाय टू. सो दिस इज फॉर द पी कोऑर्डिनेट्स. पी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, माइनस वन कॉमा सेवन डिवाइडेड बाय टू, या डेसिमल में भी लिख सकते हैं. ओके सो ये हो गया. अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये दोनों यूज करके मिड पॉइंट फार्मूले के अनुसार आर का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है. ओके ओके बिकॉज द रेशियोज आर सेम, दैट्स व्हाई. सो कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके आर के कोऑर्डिनेट नहीं है सो दैट्स वाई आर इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर के कोऑर्डिनेट नहीं है इसलिए हम क्या किए यहां पे एक्स कॉमा वाई लिए. नेक्स्ट सो दिस इज द एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. सो दैट इज द जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाय टू कॉमा फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाय टू, ये कितना हो जाएगा टू डिवाइडेड बाय टू कॉमा थर्टीन डिवाइडेड बाय टू. सो टू वन जा टू वन जा कैंसल सो दैट इज द वन कॉमा थर्टीन डिवाइडेड बाय टू इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर. आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई वन कॉमा थर्टीन डिवाइडेड बाय टू, या फिर डेसिमल में भी इसको लिख सकते, क्या हो जाता 6.5 हो जाता. सो आर कोऑर्डिनेट्स आर वन कॉमा थर्टीन डिवाइडेड बाय टू. सो इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सेक्शन फॉर्मूले से भी होता पर वो थोड़ा सा लेंदी होता. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 गाइस. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहां पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रोमबस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर. इन ऑर्डर बोल तो इसको एक ऑर्डर में ए बी सी डी बोल के लेना, पी क्यू आर एस, मतलब एक ऑर्डर में लेना है, ये लेके ये बी लेके ये सी, ऐसे नहीं है समझो, कंटिन्यूअस में एक ऑर्डर में लेना है वट एवर में भी ए बी सी डी पी क्यू आर क्या भी ले सकते हो. तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया. सो दिस इज द ए बी सी डी ऑर्डर में लिया. नाउ और यहाँ पे एक हिंट दिया, हमको एरिया पता करना है. हिंट क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इन टू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स. ओके डायगनल्स बोलते क्या आएंगे,
इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ए सी इज द वन डायगनल एंड बी डी इज द अनदर डायगनल। ओके सो लेट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, सो दैट इज ए इज द 3,0, बी इज 4,5, सी इज -1,4 एंड डी इज -2,-1। सो फार्मूला है क्या है यहाँ पे, सो हमको प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगनल्स पता करना है, ये डायगनल और ये डायगनल का लेंथ करके इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमको इसका लेंथ पता करना पड़ता ए सी और बी डी का। सो ए सी क्या हो जाता, तो उसके लिए क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला आएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। ओके सो फर्स्ट हम ए सी का डिस्टेंस पता करेंगे। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू, सो दैट इज 3 माइनस, फिर वहां माइनस वन है, ये क्या हो जाएगा प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता 16, नहीं तो अभी एक स्टेप लेंगे 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 स्क्वायर इज ऑल्सो ए 16। ओके सो 16 इज 32, सो और रेड्यूस फॉर्म में हम कर सकते हैं यहाँ पे 16 into 2 is 32, ये 16 केवल हम क्योंकि 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आके क्या हो जाता 4 हो जाता, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16, 4 रूट 2, ये 2 अंदर का अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है हमारे को, बी डी का लेंथ पता करना है, बी एंड डी। सो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, क्या हो जाएगा 4 माइनस, फिर यहाँ पे ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, एक तो फार्मूले वाला माइनस और ये एक माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस है। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 इज होल स्क्वायर आता है यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यस सो दैट इज 36 प्लस 36, सो दैट इज द 72, और रेड्यूस फॉर्म और छोटा कर सकते 36 टू जा 36 क्यों लिए हम, बिकॉज 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बाहर आके क्या हो जाता 6 हो जाता, 6 स्क्वायर इज 36, 6 रूट 2, सो दिस इज द बी टी, यूनिट्स डाल सकते हैं, उसका लेंथ एक फिक्स नहीं दिया इसलिए हम क्या करना है यूनिट्स डालना है। नाउ अब हमको ये यूज करके एरिया पता करना है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स, सो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स, डायगनल्स क्या है ए सी और बी डी डायगनल्स है, सो हम एक स्टेप ज्यादा लेंगे ए सी इनटू बी डी, सो हाफ ए सी कितना है हमारे पास, ए सी इज 4 रूट 2 इंटू बी डी इज 6 रूट 2, देन इसको ओपन करेंगे 1 बाय 2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2,
टू वन जा टू टू जा टू इंटू सिक्स इज 12। अब रूट टू रूट टू स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड रूट कैंसल, क्या हो गया यहाँ पे 12 इंटू टू हो जाएगा, 12 इंटू टू मीन्स 24। ये क्या है, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। सो क्या आएगा, एरिया जब यहां पे आता है तो हम क्या लेते हैं यहां पे स्क्वायर यूनिट लेते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, लेंथ जहां पे आता है वहां पे सिर्फ यूनिट्स लेना है, स्क्वायर जहां पे आता, एरिया जहां पे आता वहां पे स्क्वायर यूनिट्स लेना है, और जहां पे वैल्यूम आता वहां पे क्यूबिक यूनिट्स लेना है। सो दिस इज द 24 इज द स्क्वायर यूनिट्स, 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किए। ओके, सो आपको अगर मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं तो आप जो है इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।